हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोमनाथ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे चैनल सोमनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी होगा कि ये जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले, ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो प्लीज़ इसको घर पर यूज़ मत करिए, इसको घर पर ट्राई मत करिए। तो आज जो एक्सपेरिमेंट करने वाले, ये जो ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं, 1212 का ट्रांसफार्मर है। इसको हमने मैग्नेट बनाने वाले हैं। तो ये जो मैग्नेट होगा, ये बहुत ही पावरफुल मैग्नेट होगा। तो हम इसको कैसे मैग्नेट बनाते हैं, पूरा डिटेल्स में आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो करना होगा, ये जो ढांचा आप देख सकते हैं, इसकी जो ढांचा है, इसको आपको खोलना होगा। तो मैंने इसको खोल देती हूँ सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो कॉइल लगा होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। तो मैंने क्या किया, ये जो सेकेंडरी कॉइल है, इसको मैंने खोल दिया, क्योंकि आपको दिखाने के लिए सेकेंडरी कॉइल को मैंने पूरा ही खोल दिया। चलिए, और यहाँ पर देख सकते हैं जो एसी सप्लाई जाएगा, मैंने एसी सप्लाई देंगी। तो ये जो एसी सप्लाई हम देंगे, ये जो देख सकते हैं, ये जो कॉयल है, ये प्राइमरी कॉयल है, ठीक है। तो चलिए, ये पूरा इसको पूरा खोलना होगा। तो चलिए, मैंने इसको पूरा खोल देती हूँ। तो आप देख सकते हैं, इसको ऐसे तरीके से आपको खोलना होगा, देख सकते हैं आप, इसको ऐसे करके आपको खोलना होगा। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और एक बार बोलना चाहता हूँ कि ये प्लीज़ इसको घर पर ट्राई मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि हम इसमें एसी सप्लाई देंगे, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो डीसी सप्लाई होता है। एसी सप्लाई देंगे तो ये आपको रीच हो सकता है, ठीक है। तो इसको घर पर प्लीज फ्रेंड्स, इसको ट्राई मत कीजिए। तो हम जो इसको दिखाने की कोशिश करते हैं, हम पूरी सेफ्टी से इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं, ऐसे करके आपको खोलना होगा, और खोलने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा खोल दिया। यहाँ पर दो कॉइल लगा होता है, हम इसको खोल के दिखा देते हैं आपको एक बार। तो इसको पूरा खोलते हैं, तो आप देख सकते हैं, ये जो लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है, ये जो कॉयल है, ये प्राइमरी कॉयल है, और इसके नीचे जो कॉयल लगा होता है, सॉरी, ये जो कॉयल लगा होता है इसमें, ये सेकेंडरी कॉयल है, ठीक है। तो चलिए हम इसको, और ये जो चीज़ है, आप ऐसे करके इसको सप्लाई देंगे तो इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड तैयार नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक मीटर इसमें अंदर मीटर नहीं लगाएंगे तो इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो हो बाहर निकल जाता है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड तैयार नहीं होगा। इसमें आपको इसमें आपको मीटर का कुछ आइटम आपको इसमें डालना होगा मिडिल में, ठीक है। तो ऐसे करके आपको एक मीटर का कुछ आपको डालना होगा। तो चलिए हम इसको सेट कर लेते हैं, अप्लाई देखिए, देखते क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ऐसे करके रख देंगे, और ये जो प्लग है, हम इसमें अप्लाई देने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाने लगा, देख सकते हैं आप, ये जो तो थोड़ा थोड़ा करके ये वाइब्रेट हो रहा है,
आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही पावरफुल है, इधर से ये खींच रहा है, देख सकते हैं आप, देखिए आप देख सकते हैं कितना पावरफुल है। और हम सप्लाई देंगे तो ये बहुत हीट हो जाता है, आप देख सकते हैं बहुत ही हीट हो रहा है, क्योंकि इसमें से जो भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है इसकी वजह से ये हीट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके हीट हो रहा है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर दिया है इसमें भी बहुत मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर दिया, आप देख सकते इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर दिया है। ये जो आप जोड़ रहा है जो है, इसमें हम एक इसको भी लगाएंगे, देखते क्या होता है, ऐसे करके हम लगा के देखते हैं क्या होता है। चलिए तो ऐसे करके लगा दे, देखते क्या होता है। तो चलिए हम स्विच दे रहा है, आप देख लिए, और एक बार हम एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया ये। तो आप भी ऐसे करके जो आपका जो स्क्रू ड्राइवर होता है ये क्या होता है, आप कोई भी स्क्रू को पकड़ने के लिए आपको ऐसे करके आपको कोई भी मैग्नेटिक स्क्रू आप इससे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी ये मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो गई है, मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा करके हम और एक बार देखेंगे, और इसकी जो पावर है आप देख सकते हैं ये पूरा उठ गया, आप देखिए तो इससे इंजन में इतना ज़्यादा नहीं होता है। और एक चीज़ हम करने वाले, इसको खोलने वाले, खोल के देखते हैं कि भाई इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होता है या नहीं। तो चलिए हम इसको और एक बार इसको खोलते देखते हैं, इसके अंदर हम एक चीज़ करके देखेंगे, एक जो स्क्रू ड्राइवर है बहुत ही गर्म हो चुकी है, बहुत गर्म, पका नहीं पाए रहे, बहुत ही गर्म हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, ये करके हम इसको सप्लाई देंगे, देने के बाद अंदर हम आप देख सकते हैं क्या होता है, देख सकते हैं ये कैसे है। तो मेटल नहीं होगा तो आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अब जब भी मेटल हो जाएगा, जब भी आप मिडिल में मेटल कोई भी मेटल का आइटम आप रखेंगे इसको ये मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए हम मिडिल में ऐसे करके आप रख देते हैं, रखने के बाद हम देखेंगे, तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, और इसको हम ऐसे करके रखेंगे, रखने के बाद देखेंगे क्या होता है, वाइब्रेट हो रहा है,